हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में। वर्ब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है नाउन के बारे में, नाउन के काइंड्स के बारे में, फिर मैंने बताया है प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब। तो वर्ब इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको जाने बगैर आपकी ना तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी और ना तो रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी। अगर आप कोई भी काम करते हैं इंग्लिश में तो वहाँ वर्ब की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन का। तो वर्ब कहते किसको हैं? तो वर्ब एक एक्शन वर्ड को बोलते हैं, वर्ब एक स्टेट वर्ड को बोलते हैं और वर्ब एक इवेंट को बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक्शन हो रहा है, कहीं पर कोई काम हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। तो एक्शन का मतलब क्या है? जैसे ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो प्लेइंग वर्ड जो है वो वर्ब है। अब स्टेट का मतलब क्या है? जैसे आई एम ए गुड बॉय, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो एम वर्ड है ये एक स्टेट को दिखाता है, एक कंडीशन को दिखाता है, एक सिचुएशन को दिखाता है। तो यहाँ एम भी वर्ब है। कोई इवेंट को भी हम वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ही बॉट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट, या एक इवेंट हो गया, तो यहाँ जो बॉट वर्ड है ये भी वर्ब है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ब को डिस्क्राइब करने के तीन तरीके हैं, या तो वो एक्शन होता है, या तो स्टेट होता है, या तो वो इवेंट होता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब को देखेंगे। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो हम इस बात को क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट को फॉलो करता है। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड दैट फॉलोज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे लिखा है ही रन्स फास्ट और फिर लिखा है दे रन फास्ट, तो आप देखेंगे रन में अंतर आ गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रन्स हो गया है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो रन हो गया है। इसका मतलब रन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो सब्जेक्ट का गुलाम हो, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले, वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जो ना चले वो इनफाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, सॉरी। मतलब जो सब्जेक्ट को फॉलो ना करे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और जो सब्जेक्ट को फॉलो करे वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे मान ली एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, दे आर रीडिंग बुक, एक एग्जाम्पल है दे आर रीडिंग बुक, और दूसरा है सी इज रीडिंग बुक। अब यहाँ पे देखिए आर रीडिंग बुक क्यों आया है, क्योंकि दे प्लूरल है, और फिर इज रीडिंग क्यों आया है, क्योंकि सीता सिंगुलर है। तो यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग इज रीडिंग हो गया है और दे के अकॉर्डिंग आर रीडिंग हो गया है, तो अंतर आ गया है। यानी ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट को फॉलो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब के दो टाइप्स, तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब, और तीसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब का आईएनजी फॉर्म बन जाता है वो मेन वर्ब कहलाता है, जिसको हम रूट वर्ब भी कहते हैं। जैसे लाफ, लाफ का लाफिंग होता है, और जंप का जंपिंग होता है, रीड का रीडिंग होता है। यानी जिसका आईएनजी फॉर्म बनता है उसको कहते हैं मेन वर्ब। इसके बाद होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। मतलब जैसे आपका ये डू नॉट एक्सप्रेस एन एक्शन, लिंकिंग वर्ब को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये चूंकि लिंक करता है, चूंकि जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है। जैसे इज एम आर, ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इज गोइंग के साथ आया है, तो हम कह सकते हैं इज जो है लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो टाइप देखेंगे वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है जैसे हैज, हैव, डू, डज, यानी जो मेन वर्ब की सहायता करता है, जो मेन वर्ब को उसके मीनिंग को निकालने में सहायता करता है, वो होता है ऑक्सिलरी का, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है। और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी मेन वर्ब को सहायता करता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है या जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका काम ये है कि मेन वर्ब को उसके मीनिंग निकालने में मदद करता है।
और मॉरल एक्जिली में कैन है, मे है, माइट है, ये सब मॉरल एक्जिली है। तो ये दोनों जो है इसका वर्ब क्या है, वो है मेन वर्ब की हेल्प करना, उसकी मीनिंग निकालने में मदद करना। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है बल्कि अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन प्रकार हैं, जिरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, पार्टिसिपल होता है। जिरंड क्या होता है, जिरंड अगर वर्ब में हम आईएनजी लगा दें और वो नाउन का काम करने लगे तो उसको बोलते हैं जिरंड। जैसे रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है ये नाउन की जगह पर आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई काम हो रहा है। आप एक बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि रनिंग जो है अगर आता है आई एम रनिंग ऑन द रोड, तो यहां पर रनिंग से एक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर जो रनिंग हो रहा है यहां से एक्शन नहीं हो रहा है। यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट है। तो जब वर्ब आईएनजी लगा करके और सब्जेक्ट के जगह पर रख देते हैं तो वो होता है जेरंड। उसी तरह से इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर वर्ब से पहले टू लगा देंगे और नाउन के जगह लग देंगे, सब्जेक्ट के जगह रख देंगे, तो होता है इन्फिनिटिव। जैसे टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, तो हम जिरन को इन्फिनिटिव से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जहाँ पर हम जिरन लिखते हैं वहीं पर इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है ये तीन तरह का होता है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जिरंड और इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, यानी नाउन सब्जेक्ट के जगह पर आता है, नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है। उसी तरह से लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर ये अंतर है, जिरंड और इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे पार्टिसिपल मैंने बताया तीन तरह के होते हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत है क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद जब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल, जब वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब में जब थर्ड फॉर्म लगा देंगे और एडजेक्टिव का काम करने लगे तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें हैविंग प्लस V3 होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे और वो एडजेक्टिव का काम करने लगे तो होता है पार्टिसिपल। तो इसको अलग से मैं बताऊंगा। तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और जिरंड और इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं। ठीक है, अभी इतना ही मैं बता रहा हूँ, आगे के वीडियो के लिए मैं फिर अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।